हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकी ट्रिपी। आज हम बनाने वाले हैं राजगिरा के लड्डू। राजगिरा में बहुत ही ज्यादा फाइबर होता है, आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं और आप बिना व्रत भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू तैयार होते हैं, तो चलिए तैयार करते हैं आज की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम लिया है राजगिरा और ये भुना हुआ राजगिरा है, जिसे पहले ही मार्केट में भुना हुआ लिया था मैंने। इसे अमरनाथ सीड्स भी बोलते हैं, चौलाई भी बोलते हैं, तो इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो साथ ही मैंने लिया है 200 ग्राम ही गुड़, तो दोनों चीज़ों की क्वांटिटी मैंने बराबर ली है। तो अब सबसे पहले हम कढ़ाई में गुड़ को डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे जब हम इसे पकाएंगे। अब मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें डाला है पानी। पानी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, हमें केवल एक बड़ा चम्मच पानी डालना है। और अब हमें गुड़ को इसमें घोल लेना है, हमें क्योंकि इसका सिरप तैयार करना है, चाशनी तैयार करनी है। तो इसे हम चलाते रहेंगे लगातार, बीच में हमें रोकना बिल्कुल भी नहीं है जब हम इसका सिरप तैयार करेंगे गुड़ का। तो गुड़ मेल्ट हो जाएगा और हमें 5 से 7 मिनट तक इसको इतना पका लेना है कि ये जमने वाली, जो कि हमने जमने वाली कंसिस्टेंसी चाहिए हमें गुड़ की, तो उस कंसिस्टेंसी पर ये आ जाए। तो यहाँ पर गुड़ पूरी तरह से घुल गया है और बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है, इसमें बहुत अच्छे से पक रहा है ये मीडियम हीट पर ही, और हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमें इसमें कोई तार वगैरह चेक नहीं करना है, तार नहीं बनाना है हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा थिक चाहिए इसकी चाशनी जो हम तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं, इसकी खीर भी बनती है। अगर आप ये लड्डू एक दूध में डालकर लेते हैं तो इसकी खीर बहुत टेस्टी लगती है। जब ये पक गया है 3 से 4 मिनट, तो मैंने इसके बाद इसमें 2 चम्मच देसी घी मिक्स किया है और आप देख रहे होंगे काफी थिक हो गया है, गुड़ अच्छे से झाग बन रहे हैं इसमें। तो इस तरह से हम उसे चेक करेंगे क्योंकि अभी काफी लिक्विड ही लग रहा है, थोड़ा सा हमें और इसे थिक करना है। दिया भी काफी रनी है, थोड़ा सा इसे और पका लेंगे 2-3 मिनट, ताकि ये अच्छे से जमने वाली कंसिस्टेंसी पर आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी पसंद आती है ना, तो आप वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जरूर ट्राई करें। और ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताएं कि आपके जो लड्डू हैं वो कैसे तैयार हुए। तो देखिए, जब हम इस तरह से इसे कर रहे हैं, स्पैचुला से हम इसे नीचे गिरा रहे हैं, तो आप देख रहे हो धीरे धीरे काफी गाढ़ा है ये। इस कंसिस्टेंसी पर जब ये काफी थिक हो जाता है, तो हमने इसमें राजगिरा मिक्स कर दिया है। ये राजगिरा मार्केट में भुना हुआ बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इस समय पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और जल्दी जल्दी हमें इसे मिक्स करना है। इसे जो प्रोसेसर करेंगे हमें राजगिरा को मिलाने का गुड़ के अंदर, तो हमें थोड़ा जल्दी करना होगा क्योंकि हमें गरम गरम के ही लड्डू तैयार करने हैं, इसे बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है। तो देखिए, अब गैस का फ्लेम तो मैं पहले ही बंद कर चुकी हूँ और अब हम इसे एक बड़ी परात में, थाली में डाल लेंगे। हम इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे परात में निकाल लिया है और अब हमने एक बाउल में लिया है पानी। इस बाउल में पानी लेने के बाद हाथ पर हम हल्का सा पानी लगाएंगे और इस तरह से राजगिरा को हम ऊपर की तरफ ऐसे करेंगे, थोड़ी सी हवा निकल जाएगी, गर्म हवा, और हम इजीली इसके लड्डू बना पाएंगे। इसलिए हाथ पर पानी जरूर लगा लें, क्योंकि ये बहुत गर्म है तो हाथ जलने का डर रहेगा। तो इससे हम लड्डू की शेप देंगे। तो हल्के सा ठंडा हो चुका है पर है अभी भी काफी गर्म। तो देखिए, बहुत आराम से आप इसके इस तरह से लड्डू बनाएं और हल्का सा पानी का हाथ जरूर लगा लें। तो देखिए, जो लड्डू तैयार हुआ है बहुत ही अच्छा बना है। तो इसी तरह से हम पानी का हाथ लगा लेंगे बार बार, ताकि हाथ ना जले, और सभी लड्डू तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से झटपट 5 मिनट में आप राजगिरा के लड्डू तैयार कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। और भुना हुआ राजगिरा बाजार में बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो आप इस व्रत में एक बार बनाएं और पूरे 9 दिन तक आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें।
तो फ्रेंड्स आप मेरे एक दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे भी चेक कर सकते हैं। उस पर मैं कुछ होम रेमेडीज अपलोड करती हूँ, आप एक बार उसे चेक करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए इसी तरह से मैं यहाँ पर सभी लड्डू तैयार कर लूंगी और ये लड्डू खराब नहीं होते हैं। आप 15 से 20 दिन भी आप इन्हें एयरटाइट डब्बे में रखकर स्टोर कर सकते हैं और जब भी मन करे सर्दी में गर्मी में कभी भी आप इसे खा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है कि ये गर्म है ठंडे हैं, आप जब मन करे बनाएं और इसे खाएं तो बहुत लंबे टाइम तक भी आप ये इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी लड्डू तैयार करें और व्रत में आप इसे खा सकते हैं बहुत ही इजीली। तो सभी लड्डू तैयार हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं, आप एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज आप वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।